जिले में नगर सैनिक पुलिस कर्मियों के कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज भी उन्हें ना तो वह सम्मान मिल पा रहा है और ना सुविधाएं। कई बार इनकी पीड़ा हमारे द्वारा दिखाई जा चुकी है। सरकारें वादा करती हैं, लेकिन उनके वादों का कितना पालन होता है यह स्वयं सैनिक ही जानता है। अगर यह कहें कि सैनिकों को अधिकारियों के घर का नौकर बनाकर रखा गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी पदस्थापना के लिए इनसे कमांडेंट, यहां तक कि डिविजनल कमांडेंट भी वसूली करते हैं। नगर सैनिकों से वसूली के लिए इस तरह की व्यवस्था बना दी गई है कि ना तो किसी से कह सकते हैं और ना विरोध कर सकते हैं। वजह यह है कि इनकी पदस्थापना की कमान डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के हाथ में है। अगर सैनिक की चढ़ोतरी नहीं करते हैं तो इनकी अधिकारियों के बंगलों में ड्यूटी लगा दी जाती है, जहां सिर्फ एक घरेलू नौकर बनकर इनका समय बीता है। हर नगर सैनिक थाना या अन्य जगह ड्यूटी करना चाहता है, इसके लिए उन्हें 2500 रुपए से लेकर अन्य सेवादारी करनी पड़ती है। ऐसा ही मामला सामने आया है रीवा में, जहां सैनिक जगजाहिर साहू ने बताया कि वह 2 बार सड़क दुर्घटना का शिकार हो चुका है, लेकिन कमांडेंट अजय सिंह कश्यप के द्वारा उससे ड्राइवरी का काम लिया जाता है। उसने बताया कि 2500 रुपए पोस्टिंग और 500 लेबर के वसूले जाते हैं, इसके बाद ही पदस्थापना की जाती है। सैनिक ने बताया कि महिला थाने पदस्थापना के लिए भी कीमत लगाई जाती है। अगर नगर सैनिक खनिज विभाग में ड्यूटी करते हैं तो उनसे गिट्टी बालू पत्थर मंगाया जाता है। सैनिक ने बताया कि अपनी पीड़ा डिविजनल कमांडेंट से बताते थे, जिसका हल निकलता था, लेकिन वर्तमान में जो डिविजनल कमांडेंट है उनके द्वारा भी नगर सैनिकों का शोषण किया जा रहा है। सैनिक के साथ उसके अन्य साथियों ने भी बताया कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। नगर सैनिकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए अब अपने हित की लड़ाई लड़ने की बात कही है। सैनिकों ने बताया कि अरुणेश उपाध्याय नाम का सैनिक है, जो अधिकारियों की दलाली करता है और इसी के माध्यम से पैसे वसूले जाते हैं। जब पीड़ित नगर सैनिकों ने हमारी टीम को आप बीती सुनानी चाहिए तो सैनिक अरुणेश उपाध्याय पहुंचा, जिसके द्वारा धमकी भी दी गई थी। सैनिकों ने बताया कि यहां तक कहा कि अगर किसी मीडिया में भी खबर आई तो उसका परिणाम भयानक होगा। आइए पहले सुनते हैं पीड़ित जगजाहिर साहू को, इसके बाद अन्य सैनिकों से भी करेंगे चर्चा, फिर सुनाएंगे पूरे मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट अजय सिंह कश्यप को, जिन्होंने सैनिक के द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताते हुए जांच कराने की बात कही है। अब देखना यह है कि सैनिक के ऊपर ही उल्टा कार्यवाही होती है या कुछ सुधार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रॉड 24 न्यूज। क्या नाम है आपका? सैनिक जगजाहिर साहू। किस तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है विभाग के द्वारा? हाँ सर, ये हमको खुद ही तकलीफ रहती है। हम 2 बार एक्सीडेंट भी होता, तब भी गाड़ी चलवाते हैं। ठीक है, मैं चलाता हूँ, भर्ती तो ड्राइवरी में नहीं हुआ, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा आती हो गई। वहाँ 3000 रुपये महीने प्रति सैनिक से लिया जाता है, 2500 पोस्टिंग का, 500 रुपये वो लेबर का लेते हैं, नहीं तो पटिक करो। महिला थाने से 1000 रुपये लेते हैं, बदली नहीं होती। जो पैसे 3000 दे रहे हैं, गोविंदगढ़ थाने की नहीं हो रही, तमरा में हैं। कई जगह ऐसे सैनिक हैं जिनकी वापसी नहीं हो रही। अभी माइनिंग में राजकुमार वर्मा है कलेक्ट्रेट में, पूछिए, एक एक ट्रक इनसे गिट्टी गिरवाई गई है, फिर उनको भेजा गया है माइनिंग में, नगदी भी 2000 रुपये लिए गए। कौन ये ले रहा है? ये जिला सेनानी है, उनसे किरण विनोद सैनिक है, ऑफिस में रखते हैं, उनके माध्यम से लेते हैं, वसूली करवा रहे हैं। पहले अपूर्व शुक्ला डिविजनल कमांडेंट थे, तो वो सैनिकों से पैसा नहीं लेते थे, वो सुनते थे, लेकिन अब जो महिला आई हैं डिविजनल कमांडेंट, तो वो चुनाव में लड़के थे, उनसे भी पैसे बोली हैं कि 2 महीने का हमको पैसा दो, 2 महीने से नहीं मिला, तो अब कहाँ आपत्ति सुनाए। अपूर्व शुक्ला होते तो उनसे हाथ जोड़ते, ये खुद महीना ले रही। ये कि वो भग गया जो अरुणेश उपाध्याय, ये वसूली में ही रहते हैं। इनसे वो खुद इनके सामने डिस्ट्रिक्ट कमांड बोलता था पीसी धुर्वे को, दलाली करते हैं जी जी अपराध। चुनाव ड्यूटी में एसपी साहब बोले थे कि जो जजों के यहाँ सैनिक लगे हैं उनकी ना लगाना, तो उनकी लगे आए रहे, जिनको जो इनके बंगले में है, जो ऑफिस में है, उनकी ड्यूटी ये कटवा दिए। तो आप शिकायत किए? हमारी कोई नहीं सुनता। वो तो बोले चैनल में भी बताओगे तो चैनल नहीं चलेगा, हम उनका भी मुंह बंद कर देते हैं। कौन बोला? डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट अजय सिंह कश्यप। क्या गुंडाई के दम पर बोल रहे हैं? गुंडाई उनके घर में, वो बसंत सिंह विधायक हैं, उनके सगे चाचा हैं, और ये जो अजय बिश्नोई हैं उनके बहन के जेठ हैं। आपके साथ ऐसा हो रहा है? सभी कर्मचारी बहुत तंग हैं। रामफल सैनिक दिया था 3 महीने से पैसा लिए थे, राजेंद्र सेन दिया था, भेज ही नहीं रहे थे। रामफल को बड़ी मुश्किल से तो भेजे हैं, लेकिन ये राजेंद्र सेन 500 रुपये दिया, फिर 1000 दिया, तो ये नहीं भेजे। फिर वो मऊगंज विधायक को लगाया फ़ोन, तो विधायक बोले कि
कितना पैसे चाहिए मैं आ रहा हूँ तो फिर भेजे, इस तरह तंग किया जा रहा है। ड्यूटी कर रहे हैं, परिवार कैसा चल रहा है, क्या नौकरी के लिए भी कोई खतरा? अब ऐसे में तो सर नौकरी में बहुत खतरा है। वो बोलते हैं कि सैनिक हमारे जूता हैं, जब चाहूँ पहनूँ जब चाहूँ उतार दूँ, ऐसा बोलता है डिस्ट्रिक्ट कमांडर। इतना तो यही संगठन नहीं है, संगठन खत्म हो गया। परिवार कल्याण है तो वो दो सैनिक को निपटा चुके हैं, इसलिए ये डरते हैं। तानाशाही है, बहुत ज्यादा है, जीना मुश्किल है। कहाँ सुनाए, मैं चाहता हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाए। जब शिवराज मामा कहते हैं कि मेरी सरकार निष्पक्ष है, भ्रष्टाचार मुक्त है, तो फिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों भेजते हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई हो। कब से ये चल रहा लगभग आपके साथ? ये बहुत दिन से चल रहा है, जब से ये कमांडेंट आए तो जीना मुश्किल हो गया, सैनिक बहुत परेशान है। आप एक वो लगे हैं राजकुमार खनिज को बुला रहे हैं, जबरदस्ती हमको डीएनडम कोर्स में भेज रहे हैं सर, जबकि हमारी 55 की उम्र हो गई है, तो अब ड्राइवरी की खत्म कहानी हो जाती है। कुल मिलाकर प्रताड़ित कर रहे हैं कि प्रताड़ित कर जी ये हम उनके साथ चलते तो ये बैहर बालाघाट सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग अपनी रिश्तेदारियों में ले जाते, इसलिए मैं छोड़ दिया। अभी एक सैनिक का लड़का मर गया था, तो ये गोविंदगढ़ में वो जो तालाब में डूब के मर गया वहाँ खंधों में, तो वहाँ कोई भी अधिकारी नहीं गया ना गाड़ी दिए। इसकी डिविजनल कमांडिंग की कुतिया मर गई थी, तो ये कुतिया के लिए सैनिकों को भेजे और उसके सरकार में सैनिकों से धुलवाई गई कुतिया को, और वो मतलब स्वीपर से भी वो रखा गया। कुत्ते के बराबर औकात नहीं रह गई, कुत्ते के बराबर औकात नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन जो अधिकारी इस तरह से जी जूता समझ रहे हैं, बोलता है कि मैं जूता है, जब चाहे तो उतार दूँ, जब चाहे तो पहन लूँ, मतलब जब चाहे तो ड्यूटी में रखूँगा, नहीं तो भगा दूँगा जी। ये प्रताड़ित है कमांडेंट से, इनका कहना है, और कुछ विभाग के ही आपके जो कर्मचारी हैं जो दलाली करते हैं। हमारे यहाँ जब से ये कमांडेंट आया जब से दलाली के अलावा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा है। इसको ज़्यादा परेशान, जब नहीं जा रहा तो जबरदस्ती भेजना चाहिए, उसका भी रेलवे वारंट जबरदस्ती बनवा दिया गया है। बीमार है तब कुछ एक्सीडेंट हो चुका है, दवा दारू के लिए कोई पूछने वाला नहीं। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कमांडेंट द्वारा किया जा रहा है इस समय, सबसे ज़्यादा जब से आया जब से प्रताड़ित हो रहे हैं सैनिक। अजय सिंह कश्यप है, जबकि मध्य प्रदेश शासन का आदेश हुआ है 1 महीने 1 तारीख को तनख्वाह निकल जाइए, आज 3 तारीख हो गई अभी तक तनख्वाह नहीं निकली है। डिवीजन कमांडेंट तो होगा इनके सामने चलता है, जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कहे वही करेंगे। एक चट्टे बट्टे, इनको पैसे की लालच बस हो गया। पहले भी ऐसा आता था कि जिनसे उम्र ज़्यादा हो जाती थी उनको आपदा प्रबंधन में लगा दिया जाता था, दूसरे कामों में लगा जाता नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं था। जो 35 साल के लड़के थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, आपदा प्रबंधन भेजा जाता था, बाकी 40 साल के लड़कों के नहीं है, ये नियम है। शुरू कर दिया प्रताड़ित। हाँ, ये तो एकदम आकाश में उड़ने लगा है, बता ही रहा कि जूता की टोप बना लिया है। आप लोग और कोई आगे बात करने जो भोपाल में बात, अभी ये आगे आ गया है इसकी लड़ाई। अब हम लोग डीजी तक जाएंगे, डीजी जाएंगे, गृह मंत्री जाएंगे, मानव आयोग जाएंगे, हर जगह इसकी को करेंगे, क्योंकि जब बड़ा जूता चाहे पहन ले चाहे उतार ले तो इसकी तो बड़ी अपमान है। पुलिस बराबर ड्यूटी कर रहे हैं, धूप में खड़े रह गए हैं, कोई सम्मान नहीं इस कमांडेंट के। तो नमस्कार, मैं आनंद पांडे बोल रहा हूँ विराट 24 न्यूज चैनल से। हाँ बोलिए सर। ये आपके यहाँ एक सैनिक है जग जाहिर साहू, और उसके साथ कुछ और कलेक्टर के आसपास ड्यूटी करते हैं, तो इनका कहना था सर कि अशोक उपाध्याय नाम का एक सैनिक है जिसके द्वारा वसूली की जाती है, इनको पदस्थापना के रूप में पैसे लिए जाते हैं। किसके? ये सैनिक है आपके। कौन सैनिक? जग जाहिर साहू है, कुछ और लोग कलेक्ट्रेट में सर्विस ड्यूटी करते हैं, तो इनका कहना है कि पदस्थापना के लिए पैसे लिए जाते हैं, अगर नहीं दिया जाता तो प्रताड़ित किया जाता है। तो कुछ सर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, हम पता लगा लेते हैं, पता लगा लेंगे। ये बताएं कि अमरेश उपाध्याय कोई ये सैनिक है, ये प्रताड़ित करता है, वसूली करता है आपके नाम से, कमांडेंट मैडम और डिविजनल कमांडेंट भी पैसे देती है, इसके बाद ये सब गलत है, पता लगा लूंगा मैं। ठीक है, ये क्यों ऐसा कह रहे होंगे सर, कारण क्या होगा? तो पता लगा लेंगे भाई, आमने सामने बात कर लेंगे, कोई वो नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब पता लगाएंगे। आपके विभाग में अनुशासन रहता है, पुलिस में इसके बाद तो अनुशासन रहता है, तो आप कह रहे हैं तो मैं जानकारी लेऊंगा कौन कह रहा है, किसको कह रहे हैं। अच्छा, पता लगाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सर कुछ ऐसा होता है तो कुछ कार्रवाई करेंगे, अगर वसूली की जाती है और कुछ कार्रवाई पता लगाएंगे जी। हाँ, पता लगाएंगे, कोई ऐसा वो नहीं। ठीक है सर।